मेरा पूरा नाम स्पाइडरमैन विवेक राय है और 7-8 सालों से मतलब मेरा पर्पस ये होता है कि स्पाइडरमैन के गेटअप में जब मैं मेट्रो में या एयरपोर्ट पर या कहीं भी जाता हूँ तो मेरा मेन पर्पस ये होता है कि लोगों की स्माइल की वजह में बन पाऊँ मैं, क्योंकि आजकल लोगों के पास सब कुछ है लेकिन चेहरे पर स्माइल नहीं है। तो जब भी मुझको देख के यदि कोई सेल्फी लेता है या फोटो खींचता है या वीडियो बनाता है या टिकटॉक बनाता है तो राइट नाउ आई फील आई एम ए सेलिब्रिटी पर्सन। यानी दूर से देख के कहते हैं वो देखो स्पाइडरमैन जा रहा है, या कुछ लोग हंसी के मूड में कह देते, मजाक के मूड में कह देते वो देखो डुप्लीकेट स्पाइडरमैन जा रहा है या स्पाइडरमैन का गेटअप पहन के केवल जा रहा है। तो फिर उसके बाद जब वो बंदा मेरे पास चल के आता है फिर वो मुझसे सवाल जवाब करता है कि स्पाइडरमैन का गेटअप आपने क्यों पहना है, क्या पर्पस है, पहली बार मैं देख रहा हूँ किसी बंदे को स्पाइडरमैन के गेटअप में, विजय चौक पर पहली बार देख रहा हूँ। तो फिर मुझे बताना पड़ता है कि मेरा पर्पस बस वही है कि स्पाइडरमैन किसी के चेहरे की स्माइल की वजह बन पाए। मैं हूँ देवनाथ पांडे और मेरे साथ में बैठे हैं स्पाइडरमैन, इंडियन स्पाइडरमैन इन्हें कहा जाता है। इनका नाम है विवेक शर्मा और ये उत्तर प्रदेश के बनारस के रहने वाले हैं और पिछले 8 सालों से दिल्ली में इसी तरह से स्पाइडरमैन के ड्रेस में ये घूमते हैं। इनका मकसद क्या है स्पाइडरमैन बन के ये क्यों घूम रहे हैं, इन्हीं से हम बात करेंगे। विवेक जी आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। शुक्रिया सर। आपको मैं पिछले 1 साल से देख रहा हूँ, जैसा कि आप मुझे बता रहे थे कि 8 सालों से आप ऐसे घूम रहे हैं, तो उद्देश्य क्या है, आप स्पाइडरमैन के ड्रेस में क्यों घूमते हैं दिल्ली में? एक्चुअली सर मेरा पूरा नाम स्पाइडरमैन विवेक राय है और 7-8 सालों से मतलब मेरा पर्पस ये होता है कि स्पाइडरमैन के गेटअप में जब मैं मेट्रो में या एयरपोर्ट पर या कहीं भी जाता हूँ तो मेरा मेन पर्पस ये होता है कि लोगों की स्माइल की वजह में बन पाऊँ मैं, क्योंकि आजकल लोगों के पास सब कुछ है लेकिन चेहरे पर स्माइल नहीं है। तो जब भी मुझको देख के यदि कोई सेल्फी लेता है या फोटो खींचता है या वीडियो बनाता है या टिकटॉक बनाता है तो राइट नाउ आई फील आई एम ए सेलिब्रिटी पर्सन। तो मुझे लगता है कि मेरी वजह से, मेरे गेटअप पहन लेने से, स्पाइडरमैन का गेटअप ले लेने से लोगों के चेहरे की स्माइल की वजह में बन पा रहा हूँ। आपको कैसे ख्याल आया कि स्पाइडरमैन बनना चाहिए? क्या आपने कभी नौकरी खोजने की कोशिश की थी, नहीं मिली नौकरी, मिली, आपने स्पाइडरमैन वाला रास्ता क्यों चुना कि आपको स्पाइडरमैन के ड्रेस में घूमना है? नहीं एक्चुअली सर मैंने जॉब भी काफी ट्राई की, एमएलसी कंपनी में मैंने जॉब भी किया, उसके बाद एक बचपन से एक शौक था कि कुछ नया करके दिखाना है, कुछ हट करके दिखाना है, कुछ लीक से हट करके दिखाना है। और बस वही है कि मैं अपने आप को सर्च करने लगा गूगल पर या यूट्यूब पर सर्च करने लगा तो मैंने सुपर हीरो को मैंने देखा, एवेंजर्स को मैंने देखा, उसके बाद जब मैंने सुपर हीरो में स्पाइडरमैन को देखा तो दिस इज माय गुड लक चांस कि मेरा जो फेस है या बॉडी लैंग्वेज है या जो भी एड्रेस सेंस है वो मैच करने लगी कि यार स्पाइडरमैन की जो आइस कलर है या फेस कटिंग है वो पूरा स्पाइडरमैन से मैच कर रही थी। फिर मैंने कहा कि इसी को एक जरिया बनाते हैं लोगों के चेहरे पर स्माइल की वजह और अपने अर्निंग का भी जरिया बनाते हैं। तो राइट नाउ यू कैन से दिस इज द स्पाइडरमैन फॉर अर्निंग एंड लर्निंग बोथ। कितना कमा लेते हैं महीने का आप? एक्चुअली महीने में यदि आप देखा जाए तो महीने में मेरा खुद का जो टारगेट मैं खुद लेके चलता हूँ तो मेरा कम से कम 10-15 इवेंट का टारगेट मैं खुद लेके चलता हूँ मैं, और जो इनकम हो जाती है वो 30-40 हज़ार महीने की हो जाती है। क्या आपकी टीम है पूरा जो आप काम लेते हैं? आप बता रहे हैं किसी के घर पे से पार्टी है, आप बच्चों को संभालने का काम करते हैं, बच्चों को एंटरटेन करते हैं, जी सर, क्या आपकी पूरी टीम है या फिर आप अकेले काम करते हैं? नहीं नहीं सर, एक्चुअली जब मुझे कोई हायर करता है तो मैं पूरी टीम के साथ में जब जाता हूँ मैं, जैसे मैं वहाँ पर मैजिशियन मेरा जाता है, टैटू आर्टिस्ट जाता है, गन शूटिंग है, डेकोरेशन है, बहुत सारी चीजें होती हैं। मेरा जो पार्ट होता है बच्चों को एंटरटेन करना होता है, एज ए गेम कोऑर्डिनेट करता हूँ मैं, और बच्चों को मैं मास्क देता हूँ, किताबें देता हूँ मैं, ताकि वो बच्चे 2-3 घंटे जब भी पार्टी आपकी चल रही है तब तक बच्चे स्पाइडरमैन से एंटरटेन होते रहे। आपने बताया भी थोड़ी देर पहले आप बातचीत कर रहे थे, आपने कहा कि आपने मीडिया की पढ़ाई की, मास कम्युनिकेशन किया, आपने आपने नौकरी भी खोजी, आपको नौकरी नहीं मिली, उसके बाद आप फिर स्पाइडरमैन बन गए। तो जब आप पब्लिक के बीच में जानते हैं, जनता के बीच में जाते हैं, तो खासतौर पर अगर बच्चे आपको पहली बार देखते हैं तो बच्चों का रिएक्शन कैसा रहता है? एक्चुअली बच्चे फिर उसके बाद कंपेयर करने लगते हैं, क्योंकि उन्होंने जब टीवी में देखा होता है सुपर हीरो स्पाइडरमैन की बहुत सारी मूवी 2002 से लेकर 2020 तक की बहुत सारी सीरीज आई स्पाइडरमैन की, और जब वो मुझे अपने गेटअप में देखते हैं, चाहे वो मेट्रो में देखे, चाहे रोड पर देखे, या इवेंट में देखे, या किसी कार्निवल में देखे, तो उनको एक थोड़ा सा मैच करने लगते हैं, यार इसको तो मैंने टीवी पर देखा था और आज रियल में सामने दिखाई दे रहा बंदा, तो उनके चेहरे का एक्सप्रेशन जो होता है वो चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है। वो फिर वो टैली करने लगते हैं, तो फिर उसके बाद वो बच्चे मुझसे पूछते हैं कि राइट नाउ यू आर रियल स्पाइडरमैन एज ए डुप्लीकेट स्पाइडरमैन? तो मुझे कहना पड़ता है कि राइट नाउ आई एम नॉट एज ए रियल स्पाइडरमैन, बट यू कैन से आई एम एज ए इंडियन स्पाइडरमैन। फिर क्या रिएक्शन रहता है? तो बच्चों का रिएक्शन बस वही होता है कि बच्चे कहते हैं कि मम्मी से जिद करने लगते हैं कि मम्मी एक सेल्फी हो जाए, एक फोटोग्राफ हो जाए स्पाइडरमैन के साथ, क्योंकि स्पाइडरमैन पहली बार मिला है।
और मम्मी से जिद करने लगते हैं कि मम्मी प्लीज मेरे बर्थडे में स्पाइडरमैन को जरूर बुलाइएगा। ये से आपने बुक दिखाया मुझे, ये बुक आप बच्चों को देते हैं, पार्टी में जाते हैं तो बच्चों को देते हैं, तो आप बता रहे हैं कि आप वहाँ जाते हैं, आप वहाँ पर जाने का चार्ज लेते हैं 6,000 रुपए दो से तीन घंटे का, जो आप बच्चों को एंटरटेन करते हैं, पार्टी में जाते हैं, तो आप उनको बुक भी देते हैं, तो क्या इन सब में कितना खर्चा आता है और आपका बचता कितना? सर एक्चुअली बच्चों को तो यदि खर्चा यदि आप देखेंगे तो कम से कम 1,500 से 2,000 खर्चा पड़ जाता है मेरा, और उसके बाद जो बैलेंस बचता है वो मेरी मेहनत का मिलता है मुझे, जो मैं 2 घंटे 2.5 घंटे 3 घंटे जो मेहनत करता हूँ मैं, जो टोटल जैसे मान लीजिए आपको मैंने 6,000 बोला तो 2,000 मान के चलिए कि 2,000 मेरा अपनी ओर से मैं खर्चा करके जा रहा हूँ मैं बच्चों के लिए। अभी आप विजय चौक पे बैठे हैं, ठीक है, विजय चौक एक तरह से कहा जाए लोकतंत्र का सबसे बड़ा मंदिर यहीं पर है, संसद भवन यहीं पर है। आमतौर पर अगर देखा जाए विवेक जी, अगर मैं हूँ या ये भैया सामने खड़े हैं या ये भैया खड़े हैं, इनको अगर ऐसा ड्रेस पहना दिया जाए तो थोड़ा सा हेजिटेशन होगा कहीं जाने में, तो जब आपने पहली बार ये ड्रेस पहना निकले पहन के, तो लोगों का क्या प्रतिक्रिया क्या था लोगों का, आपको एक्सेप्ट कर लिया गया होगा? नहीं, नहीं, आपके अंदर भी कमेंट पास हुए होंगे? क्योंकि जब मैं मेट्रो में जाता हूँ या जैसा कि मतलब अभी मैं विजय चौक पर हूँ, मैं पार्लियामेंट के सामने हूँ मैं, तो एक्चुअली मुझे लगता है कि मतलब जब लोग कमेंट पास करते हैं यदि दूर से दुख के कहते हैं वो देखो स्पाइडरमैन जा रहा है, या कुछ लोग हंसी के मूड में कह देते हैं, मजाक के मूड में कह देते हैं वो देखो डुप्लीकेट स्पाइडरमैन जा रहा है या स्पाइडरमैन का गेटअप पहन के केवल जा रहा है, तो फिर उसके बाद जब वो बंदा मेरे पास चल के आता है फिर वो मुझसे सवाल जवाब करता है कि स्पाइडरमैन का गेटअप आपने क्यों पहना है, क्या पर्पस है, पहली बार मैं देख रहा हूँ किसी बंदे को स्पाइडरमैन के गेटअप में, विजय चौक पर पहली बार देख रहा हूँ, तो फिर मुझे बताना पड़ता है कि मेरा पर्पस बस वही है कि स्पाइडरमैन किसी के चेहरे की स्माइल की वजह बन पाए। तो आप बता रहे हैं कि 8 साल हो गए आपको? जी सर। आपके परिवार में और कौन कौन है? एक्चुअली परिवार में देखा जाए तो हम लोग 4 भाई और 1 बहन है, और हम लोग बनारस से हैं, और 3 भाई की शादी हो गई और छोटी बहन की भी शादी हो गई, तो पापा बार बार कहते हैं कि जॉब कर लो जॉब कर लो, तो वही पापा से मैं कहता हूँ कि पापा आज आपका बेटा दिल्ली क्या पूरे इंडिया का आने वाले समय में सेलिब्रिटी बन जाएगा, तो इस काम को मैं चाहूंगा कि आप करने दें मुझे, ताकि आपके स्माइल की वजह भी मैं बन पाऊँ, ताकि मेरा जो टारगेट है कि मैं इंडिया को आने वाले समय में रिप्रेजेंट कर पाऊँ आगे चलकर। आपको मतलब पूरा विश्वास है कि मैं आगे जिस तरह से अपने पिताजी से कहते हैं कि मैं एक दिन बहुत बड़ा आदमी बनूंगा या स्पाइडरमैन के रूप में फेमस होऊंगा इंडिया में, तो आपको एक पूरा विश्वास है? नहीं, आने वाले समय में मैंने खुद क्या टारगेट रखा है कि 2025 तक मैं पापा से मम्मी से पूरी फैमिली से और बाकी लोगों से भी मैं इवेंट्स में भी कहता हूँ कि 2025 में मुझे एनी हाउ वर्ल्ड के फेमस है जिसका मैं फैन हूँ, जिसका मैं इवेंट्स कर रहा हूँ, मैं जिसका गेटअप पहनकर 2025 में मैं 100% में मिल लूंगा मैं उससे, और मैं उससे कह पाऊँ कि राइट नाउ यू आर एज ए वर्ल्ड फेमस एंड आई एम इंडियन फेमस। तो मैं यहाँ ये नहीं समझ पा रहा हूँ कि आपको कुछ करना है, आपने टारगेट रखा है? नहीं, एक्चुअली मुझे करना है, एक्चुअली पूरे इंडिया में एक्चुअली आप तो पहली बार यदि आप सवाल जवाब इस तरह, बहुत सारे लोग कहते हैं कि स्पाइडरमैन आप ये बताइए कि आपका मकसद क्या है इस तरह का इवेंट करते हैं, तो मेरा मकसद दो है, एक तो चेहरे की स्माइल में बन पाऊं लोगों की, और दूसरा कि मैं इंडिया को आने वाले समय में बाहर में जाके इंडिया से बाहर यदि मैं जाऊं अब्रॉड जाऊं या फॉरेन जाऊं तो वहां पर मैं इंडिया को रिप्रेजेंट कर पाऊं मैं कि इंडिया में भी सुपर हीरो है, और जिसको आप टीवी पर देखते हैं वो रियल में भी आ सकता है, और पूरे इंडिया में मैं चाहूंगा कि सभी लोग इतना प्यार मुझे दे रहे हैं और ये प्यार की सिलसिला बढ़ता रहे। ये सब करके आपको क्या मिलता है? मुझे मिलता बस ये है कि जिसको कहते हैं कि हर चीज एवरीथिंग इज नॉट मनी, हर चीज पैसा नहीं होती, खुशी का जरिया होना चाहिए कहीं ना कहीं, चेहरे के स्माइल की वजह बन पाए आप किसी के भी, और सभी से मैं बच्चों से भी मैं कहता हूँ कि आप ऐसा काम करो लाइफ में ताकि किसी के चेहरे की स्माइल बन पाओ, क्योंकि सबके पास अवेलेबल है, सब कुछ है, ओडी है, फॉर्चूनर है, सब कुछ है सबके पास है, लेकिन चेहरे की स्माइल यदि आप नहीं है तो स्पाइडरमैन की नजर में लगता है कि अगले के पास कुछ भी नहीं है। बच्चों के पास जब आप जाते हैं तो क्या बच्चों की और कुछ डिमांड रहती है कि स्पाइडरमैन तो उड़ता था, बिल्डिंगों में चढ़ता था, आप कुछ ऐसा? हाँ, वो करते हैं, हाँ, वो सवाल जवाब होता है, बच्चे मुझसे एक्सपेक्ट करते हैं। कैसे मैनेज करते हो? तो असल में बच्चों को मैं फिर बताता हूँ मैं कि बच्चों जो आपने टीवी पर देखा है, जो टीवी पर देख के आप सुपर हीरो की मूवी देख के आप मुझसे एक्सपेक्ट करते हो, आप उम्मीद करते हो कि स्पाइडरमैन भी जाल फेंकेगा, बिल्डिंगों पर चढ़ेगा, तो ये एक्चुअली तो रियलिटी से मतलब नहीं है इसका, वो केवल एनिमेटेड है, केवल वीडियो, केवल ग्राफिक्स है ये, और इसको बीएफएक्स आप कह सकते हैं कि बीएफएक्स का करामात है ये, रियलिटी से कोई लेना देना नहीं। यदि आप रियलिटी में भी जाओगे तो जिस मूवी को देख के कह रहे हो उसको में भी
जैसे मैं कुछ नहीं कर पाता वैसे वो भी कुछ नहीं कर पाता, वो केवल एनिमेशन। ये तो मैं और आप, हम और आप समझते ना, बच्चे नहीं समझते ये चीज। नहीं, बच्चों को मुझे बताना पड़ता है कि आप ये बताओ, बच्चों से मैं पूछता हूँ कि ये बताओ कि यदि जाल फेंकना यदि होता कि पर्टिकुलर एक बंदे के हाथ में क्यों आता, फिर यदि जाल होता, यदि मकड़ी काट लेने से यदि किसी के हाथ में जाल आ जाता और बिल्डिंगों पर चढ़ने लगता, तब तो हर आदमी मकड़ी से कटवाने लगता अपने आप को, तब तो हर आदमी स्पाइडरमैन हो जाता। तो ये रियलिटी से कोई मतलब नहीं है इसका। घर वालों का कितना सहयोग मिलता है आपको कि जब आप मतलब अभी आप बता रहे हैं नौकरी नहीं करते हैं, आपने एक मकसद बना रखा है कि हमको इंडिया को रिप्रेजेंट करना है या फिर जो रियल स्पाइडरमैन है उनसे मुझे मिलना है, तो घर वालों का, क्योंकि आमतौर पर देखा जाता है अगर हमारे उत्तर प्रदेश में या फिर बिहार में लोग सोचते हैं, घर वाले सोचते हैं कि बच्चा बड़ा हो गया कुछ नौकरी करे अपने पैरों पर खड़ा हो जाए, लेकिन आप अभी तक एक तरह से देखा जाए तो आपने कुछ और ही मकसद है आपका, तो घर वालों का कितना सपोर्ट रहता है, कितना समर्थन रहता है? एक्चुअली यदि आप सपोर्ट की बात करेंगे तो अभी भी मैं जैसे टाइम निकाल के जब मैं अपने होली दिवाली पे जब मैं घर जाता हूँ तो पापा मम्मी बार बार वही कहते हैं कि तुम जॉब नहीं कर रहे हो, परमानेंट मतलब सैलरी नहीं है तुम्हारी। तो फिर वही पापा को जब मैं अपनी वीडियो दिखाता हूँ, जब मैं दिखाता हूँ कि पापा आपका बेटा देखिए किस लेवल पर है, और जब भी जहाँ पर भी इवेंट्स करने जाता है तो 2 घंटे का इतना चार्ज लेता है सब कुछ, तो पापा को लगता है कि चलो ठीक है यार जो भी कर रहा है कम से कम अपनी अर्निंग का जरिया बना रखा है, तो थोड़ा सा एक होता नहीं कि वहाँ पर प्लस पॉइंट आ जाता पापा मम्मी की ओर से कि मेरा बेटा जो भी कर रहा है जर्मिन कर रहा है और थोड़ा सा अपने अर्निंग का जरिया बहुत अच्छे ढंग से बना रखा है। और कुछ जो आप कहना चाहते हो देशवासियों से या फिर जो हमारा वीडियो देख रहे हैं? मैं सबसे ये कहना चाहूंगा कि प्लीज आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और आप लोग हमेशा ऐसी कोशिश करिए कि आप कोई भी काम करिए, और बस यही है कि बी हैप्पी। और सबसे मैं ये कहता हूँ कि दिल चाहता है कि कद छोड़कर बौने हो जाए, दिल चाहता है कि कद छोड़कर बौने हो जाए, हम बच्चों की खुशी के खातिर बच्चों के हाथ के खिलौने हो जाए। बहुत बढ़िया। तो हम बात कर रहे थे इंडियन स्पाइडरमैन यानी कि विवेक राय जी हैं, उत्तर प्रदेश के बनारस के रहने वाले हैं, और ये दिल्ली में पिछले 8 सालों से इसी तरह से स्ट्रगल कर रहे हैं, और इनकी जो बात करें इनका जो टारगेट है तो इन्होंने साफ तौर से हमसे बातचीत में यही कहा है कि ये चाहते हैं कि जो रियल स्पाइडरमैन है उनसे इनकी एक बार मुलाकात हो जाए और ये इंटरनेशनल लेवल पर भारत को रिप्रेजेंट कर सके, और हम भी उम्मीद करते हैं कि इन्होंने जो अपनी उम्मीदें रखी हैं वो उम्मीदें इनकी जल्द से जल्द पूरी हो, और आपसे भी हमें गुजारिश करते हैं कि विवेक राय जो कि इंडियन स्पाइडरमैन है इनके इनको इनको हौसला देने के लिए आप इस वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए, ताकि इनको वो मुकाम मिल सके जिस मुकाम के लिए ये लगातार पिछले 8 सालों से लगातार कोशिशें कर रहे हैं। शुक्रिया।